हेलो चैंपियंस वेलकम बैक टू लेट स्कोर हंड्रेड दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्स की डेफिनेशन को पढ़ा एंड हम लोगों ने यह समझने की कोशिश करी कि क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस राइट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसको लेकर के कि क्या एक मिनट में डायग्राम पहले आ, आप लोगों के सामने लाता हूँ ये डायग्राम जो है हमारा जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस तो उसके आंसर में डायग्राम तो आप लोग बनाएंगे ही और उसके आंसर में हम लोग ये पॉइंट्स ये दोनों पॉइंट्स लिखते हैं उसके आंसर में ये दोनों पॉइंट्स लिखते हैं ये दोनों पॉइंट्स ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग इसे देख लीजिए ये दोनों पॉइंट्स इसका आंसर है राइट हालांकि क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्वेश्चंस जो हर टॉपिक पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या बन, या बनेंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको आ, वीडियोस के लिंक में मिल जाया करेंगे तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं पढ़ाते इसमें क्वेश्चन इसलिए शेयर करना जरूरी हो जाता है बताना जरूरी हो जाता है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब हम लोग अगला टॉपिक आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है रिसोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों इसमें तो एक इसमें एक फाइन लाइन है आप लोग कंफ्यूज मत होना आइए पहले से हम समझ लेते हैं देखिए ये है रिसोर्सेस ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस ठीक है और एक दूसरा भी है कि वेज ऑफ क्लासिफाइंग रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ देखते हैं पहले उसको भी देख लेते हैं तब हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों में क्या फर्क है जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ये इसमें है रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज तो इसपे जो क्वेश्चन बनेगा वो वन मार्कर भी बन सकता है टू मार्कर भी बन सकता है टू मार्कर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा टू मार्कर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि वाट आर द डिफरेंट वेज वाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग डिफरेंट वेज वर्ड आएगा तब आप लोग ये वाला वाला लिखेंगे और जो दूसरा डायग्राम आप लोग देख रहे थे उससे केवल वन मार्कर ही क्वेश्चन आएगा उससे टू मार्कर आ ही नहीं सकता और इससे भी वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है जैसे कैसे आएगा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेिस ऑफ एक्जॉस्टिबिलिटी तो क्वेश्चन क्लियर रहेगा कन्फ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है टाइप ऑनिसनर वर द रिस और क्लासिफाईडोर्स ऐसे भी आ सकता है क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वन मार्क आएगा तो जहां पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एक्जॉस्टिबिलिटी ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मिले तो तुरंत क्लियर हो जाए क्वेश्चन क्लियर रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा जो पहले वाला है उसको देखते हैं उस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसपे जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो डायरेक्ट होगा और वन मार्कर होगा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है हमारा इसपे सिंपल आएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सिंपली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आएगा वाट आर दाइप ऑफ रिसोर्सेज सिंपल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड बिल्कुल भी नहीं यूज होगा कंफ्यूज मत होना आप लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सिंपल देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज याद रखना अगेन बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड यूज होगा तो वो वाला हो जाएगा और अगर सिंपल आएगा कि वट आर द टाइप्स ऑफ दाइपर्सिसन वट आर द टू टाइप्स ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अगेन क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस देर आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड दीज आर कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल इसको थोड़ा समझते हैं जैसे हमने देखा कि रिसोर्सेस का टू मेन क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेस का टू मेन क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्सेस सिंपली कैन बी क्लासिफाइड इन टू सिंपली कैन बी क्लासीफाइड इन टू नेचुरल एंड ह्यूमन राइट अब हम समझते हैं कि रिन्यूएबल क्या है आप लोग जानते हैं रीन्यूएल रिसोर्सेज क्या होते हैं रीन्यूएल रिसोर्सिस वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल तरीके से रिन्यू कर सकें, राइट रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए और रीन्यू कर सके या रिप्लेनिश कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अगेन टू टाइप्स हो गए कंटिन्यूस कंटिन्यूस रिसोर्सेज के एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल भी पूछ सकता है वट आर दी गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज या आर दी टू एग्जाम्पल्स या गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन जो असरशन एंड रीजनिंग वाला आता है उसकी उस परपज से हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज ध्यान से समझिए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टू टाइप्स हो गए कंटिन्यूस एंड फ्लो कंटिन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल तो कंटिन्यूस का एग्जाम्पल क्या होता है वाटर एंड एयर अब दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि जो वाटर साइकिल होता है ड्यूरिंग uh, समर क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है इव ऑपरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर ऊपर स्काई में जाकर कंडेंस हो जाता है क्लाउड फॉर्म होता है एंड देन वो इन द फॉर्म ऑफ रेन अगेन वापस आता है तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है इसी तरीके से एयर का भी तो एयर एंड वाटर दोनों क्या हो गए हमारे कंटिन्यूस रिसोर्स हो गए उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इस पे क्या वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है टू टाइप्स ऑफ वर टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के टू टाइप्स हो गए फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोस्तों आपको पता है कि फॉरेस्ट में कोई ट्री प्लांटेशन करने तो जाता नहीं ओल्ड वन ओल्ड ट्रीज डाई न्यू यू नो न्यू प्लांट्स कम अप इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है वाइल्ड लाइफ का आप जानते हैं कि आ, आप लोग रिप्रोडक्शन के टर्म से ऑलरेडी अवेयर हैं कि थ्रू द यू नो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन यू नो ओल्ड वन डाइज यंग वंस यू नो इज़ बॉर्न तो इस तरीके से ये भी प्रोसेस चलती रहती है नेक्स्ट हम लोग हम लोगों ने अब रीन्यूएबल क्लियर कर लिया अब हम लोग देखेंगे आप लोगों के घर पे जब प्लास्टिक का या आयरन या स्टील का कोई सामान पुराना पड़ जाता है या टूट जाता है तो हम उसे कबाड़ी को भेज देते हैं आखिर कभी आपने सोचा है कि ये जाता कहां है ये कबाड़ी वाले इन टूटे फूटे आयरन एंड प्लास्टिक के चीज़ों को कहाँ ले जाते हैं ये अगेन जाके रिसाइकल हो जाता है राइट और इतना ही नहीं जैसे आ, हमारे घरों में गोल्ड की ज्वेलरी होती है सिल्वर की ज्वेलरी जु, होती है ये गोल्ड और सिल्वर भी रिसाइकल किए जाते हैं और रिसाइकल करके हम सपोज़ किसी के पास इयर है और उसे लगता है कि नहीं यार मुझे ना मुझे तो ईयर नहीं चाहिए मुझे कुछ और चाहिए चेन चाहिए तो क्या करें आप रिसाइकिल करा लेते हो जो पहले इयर था उसी को रिसाइकिल करके आप आ, गोल्ड की चेन बनवा सकते हो या सिल्वर की चेन बनवा सकते हो राइट उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन रिसाइक्लेबल दोस्तों नॉन रिसाइक्लेबल में आता है अपना कोल हो गया नेचुरल गैस पेट्रोलियम हो गया इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ पेट्रोल राज बर्ंट वायल गोइंग विथ डेट विद सेम तो आपको क्या लगता है कि वो अमाउंट ऑफ पेट्रोल कभी वापस आ सकता है क्या हम रिसाइकिल कर सकते हैं नॉट एटॉल राइट या श्रद्धा को आलिया के बर्थडे पे जाना था और श्रद्धा को आलिया के घर जाने में दो जो अमाउंट ऑफ पेट्रोल श्रद्धा की कार में बर्न हुआ तो क्या वो कभी वापस हो सकता है रिसाइकिल हो सकता है नॉट एटॉल तो ये जो भी जितने भी फोसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं अब हम दूसरा पढ़ेंगे तो हमने रिसोर्सेज का रिसोर्सेज का दो सिंपल क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन तो हम लोगों ने नेचुरल देख लिया अब लोग हम लोग ह्यूमन का देखेंगे जैसे हम लोग दोस्तों इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं राइट right? उस पर भी एक ना क्वेश्चन बनता है ह्यूमन बींग्स का इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन क्या बनता है हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस इसपे ह्यूमन बींग्स अगेन दो कैटेगरी आती है ह्यूमन रिसोर्स की दो कैटेगरी क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन समझते हैं देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग भी ह्यूमन ंग्स भी रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स रोड्स तैयार करते हैं रोड्स बनाते हैं फ्लाईओवर्स बनाते हैं ब्रिजेस बनाते हैं एयरपोर्ट्स बनाते हैं राइट right? ये तो हो गए स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हम इतने स्ट्रक्चर्स और भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट करते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं आई हो सकते हैं आई हो सकते हैं आपका स्कूल हो सकता है यूनिवर्सिटीज हो सकती है या पार्लियामेंट हो सकता है हाई कोर्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हो सकता है राइट right? ये इंस्टीट्यूशंस हम ही लोग क्रिएट करते हैं उसके बाद दूसरा जो सबसे अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोस्तों आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स का ये वाला जो क्लासिफिकेशन है क्वांटिटी एंड क्वालिटी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का इन टू थाउजेंड इलेवन इन टू थाउजेंड इलेवन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन थी दो हजार ग्यारह में ये थी यानी इंडिया की वर्किंग एज की पॉपुलेशन थी सिक्सटी पॉइंट सेवन जाहिर सी से बात है जिस फैमिली में ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे यानी काम करने मीन डिपेंडेंट लोग कम होंगे और अर्निंग मेंबर ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है उस फैमिली की इनकम ज्यादा होगी राइट right? उसी तरीके से इसको हम कंट्री पर अप्लाई करते हैं तो 2011 में हमारे यहाँ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 60.17 60. सॉरी 60.7 परसेंट इंडिया की वर्किंग एज की पॉपुलेशन थी और ये 2031 तक यानी 2031 तक 2031 तक या मीन्स आफ्टर एट इयर्स इट इज गोइंग टू बी 65.1 परसेंट तो जाहिर सी बात है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है केवल क्वांटिटी ही मायने नहीं रखती क्वालिटी भी कि जो वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन उसमें कितने हाईली स्किल्ड लोग हैं जितने ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं उतने ही ज़्यादा वो कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करती है फॉर एग्जाम्पल स्किल का लेवल इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं हाईली स्किल में एक तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है राइट हाईली क्वालिफाइड होता है हाईली स्किल्ड होता है और एक uh, हम uh, और एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारे आस पास के लोकल मार्केट्स में वो वो बाइक को ठीक करने वाला है कार को ठीक करने वाला जो मैकेनिक होता है तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये रिसोर्सेज का जो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बिल्कुल भी नहीं यूज होगा आपको ध्यान देना होगा ऑन द बेसिस ऑफ जैसे आएगा वो उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी हो जाएगी जो अगला टॉपिक हम लोग टेकअप करने वाले हैं एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इस पर एक क्वेश्चन बनता है इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है पहले देखते हैं इस पर क्वेश्चन बनता है वाट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व वन मार्कर क्वेश्चन बन बन सकता सकता है है या टू मार्कर भी बन सकता, अगर पूछ लेगा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेन विद तो बेसिकली वन मार्कर या टू मार्कर आ सकता है तो उसका आंसर यही होगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व एन इंटरक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन राइट वन मार्ग का क्वेश्चन हो गया अपना एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है हाउ कैन यू से दैट हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस राइट तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर ये होगा दोस्तों इसका आंसर में हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन टू रिसोर्सेज एंड यूज दिम राइट चलिए अब अगली टॉपिक की तरह हम लोग मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है अपना वो सिंपल वो सिं, जो अभी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो सिंपल क्लासिफिकेशन था अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा वेज ऑफ आएगा वेज 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 ऑफ ऑफ क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग और तो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है हालांकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया एक बार आ, आ, देख लेते हैं वाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग द रिसोर्सेज ये क्वेश्चन आएगा तो आ, दो नंबर का होगा और वन मार्कर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंस ये इसके बाद ही जो एनसीआर में एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम लोग डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एग्जॉस्टबिलिटी ओनरशिप स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वो अब डिलीट हो चुका है अब इसको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे बट एनसीआरटी में इतना ब्रीफ अब भी है जो कि हमें पढ़ना है ये डिलीटेड पोर्शन नहीं है तो इसके बारे में हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेते हैं सो so दैट असर्शन या रीजनिंग में आता है या एम के फॉर्म में आता है तो हम लोग इसे अटेम्प्ट कर पाए राइट right? अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइंग द रिसोर्सेज तो हम लोग यह लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एक्जॉस्टिबिलिटी ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट तो इसका एक, एक शॉर्ट फार्मूला होता है इन चारों को याद करने का उसको हम इस नाम से समझ सकते हैं देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हो गया इसको एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में शॉर्ट फार्मूले के हालांकि बहुत ही कॉमन सेंसिकल है बट इट विल हेल्प यू आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ओ यो एस ओ डी बेसिकली वेयर ओ इज ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल दो नंबर में आएगा तो आपको इजिली याद रहेगा तो आप लिख पाएंगे राइट right? अब आइए इनकी हल्की सी डिटेल्स भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ क्योंकि इसमें आपसे ज्यादा ज्यादा वन मार्क क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी सी इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है और हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ सके पूछ सकता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएल रिसोर्सिस या इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है या वाट आर टू टाइप्स ऑफ या टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो हल्का हल्का सा हम ब्रीफ में इसे समझ लेते हैं तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ठीक रिसोर्सिस है ऑन फोर बेसिस जैसा कि आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट तो ब्रीफ हम लोग देखते हैं ब्रीफली देख लेते हैं इसे सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस दोस्तों बायोटिक मतलब क्या होता है बहुत सिंपल सा बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे हम लोग बायोटिक मतलब विच इज फाउंड इन बायोस्फेयर एंड विच हैज लाइफ बायोस्फेयर क्या होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द दर्फेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ इसको बायोस्फेयर बोलते हैं कभी कभी जब हम आ, अर्थ की अगर हम डिगिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जो बहुत ज्यादा डीप में नहीं कुछ यू नो वम्स मिलते हैं जिसमें कि अर्थ वर्म को आप लोगों ने जरूर देखा होगा वाइल डिगिंग द ग्राउंड तो ये हमारा क्लियर हो गया एंड इसके टू एग्जाम्पल कौन से हैं बायोटिक रिसोर्सेज के टू एग्जाम्पल हमारे कौन से हो सकते हैं एक तो हमारा हो गया फ्लोरा एंड फोना यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स और दूसरा हम लोग फिशरीज देख सकते हैं फिशरीज देख सकते हैं और तीसरा हमारा हो गया लाइव स्टॉक जो आ, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं लाइव स्टॉक कैटल अच्छे से आप लोग भी समझते हैं वैसे तो ये हमारा क्लियर हो गया अब हम देखते हैं अब बायोटिक सिंस डिटेल में नहीं आएगा इसलिए डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं इस पर वन मार्कर या टू मार्कर ही आएगा टू मार्कर आएगा तो उस उसपे वही क्वेश्चन बनेगा कि वाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफाइन रिसोर्सेस अगेन उसमें नेम लिखना होगा एक्सप्लानशन नहीं मांगेगा कि एक्सप्लेन वाट इज बायोटिक रिसोर्स और एक्सप्लेन वाट इज अबायोटिक रिसोर्स बट ब्रीफ में हम लोग थोड़ा तो सा देख लेते हैं अबायोटिक hmm. में कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि हमारा रॉक हो गया या सनलाइट हो गया एयर हो गया वाटर हो गया ये सब मेटल हो गया राइट तो दो दो तीन तीन एग्जाम्पल हम लोग करेंगे बस फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिसोर्सेस अगेन दो टाइप के होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज राइट रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी हो गई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का हम लोग जो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज था उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इसका example. तो आप लोग केवल याद कर लेना एंड सोलर एंड रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल रिन्य है राइट right? अगला हम लोग देखने वाले हैं ये नॉन रिन्यूएबल इनको हम नॉन रिन्यूएबल क्यों बोलते हैं इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनके बनने में इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है जैसे कि पेट्रोल कोल एंड नेचुरल गैस तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं मिनरल्स में जैसे कि हमारे फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स हो गए फॉसिल फ्यूल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया एंड यूरेनियम भी होता है <coughs> यूरेनियम भी फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि इसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है और ये यूरेनियम यूज़ कहाँ होता है यूरेनियम हम यूरेम हमारा यूज़ होता है न्यूक्लियर uh, वेपन बनाने में यूरेनियम का यूज होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर जनरेशन के लिए भी यूरेनियम यूज होता है राइट right? अगला हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अगला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेस फोर टाइप्स के होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सिस कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस हल्का सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल्स देखते हैं जो इंडिविजुअल रिसोर्सेस होते हैं दे आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इन इंडिविजुअल्स आपने देखा होगा कि आपकी कार आपकी बाइक स्कूटी या आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं और उसे थोड़ी बोलेगा कि नहीं यार मेरे साथ तुम्हें ये शेयर करना पड़ेगा हाँ आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं बट ये आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं जैसे रूरल एरियाज में फार्मर्स के पास उनका प्लॉट ऑफ लैंड होता है अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास अपना शॉप होता है एंड हाउसेस होते हैं कार होते हैं ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं बिना आपकी परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकता राइट ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल हो गया कार एंड हाउस अगला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मीन्स ऐसे रिसोर्सेस पे पूरी कम्युनिटी का कोई किसी को मना नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में जो पार्क है आपने देखा होगा उसमें उस लोकेलिटी के बाहर के भी लोग आते हैं राइट right? uh, इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं जैसे बरियल बरियल ग्राउंड हो गया या विलेज पॉन्ड हो गया एग्जाम्पल से आपका बहुत जरूरी है तो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया जहाँ पे रूरल एरियाज के बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे मतलब एक ऐसा कॉमन एरिया होता है जहां पे उस पर्टिकुलर विलेज के सारे लोग अपने एनिमल्स को ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए एंड बरियल ग्राउंड आप लोग समझ सकते हैं यू नो वन डाइज पे कोई किसी को मना नहीं करता बरियल ग्राउंड में वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है राइट एंड विलेज पॉंड विलेज पॉउ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो तीसरा हमारा है वो है नेशनल रिसोर्स दोस्तों नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है बेसिकली जिसपे इसमें इस दो चीजें हमें समझना जरूरी है बेसिकली एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में यानी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया की जितनी इंडिया की विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंडिया की बाउंड्री में जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो चाहे आपका कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो वो सारा नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है ये तो हो गया विद इन पोलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया और जो कंट्री की बाउंड्री होती जो कंट्री कंट्री uh, की बाउंड्री होती वहां से ट्वेल्व नोटिकल माइल्स वाटर्स में चाहे आप बे ऑफ बंगाल की तरफ देख लीजिए चाहे आप अरेबियन सी की तरफ देख लीजिए चाहे इंडियन ओशन की तरफ देख लीजिए ट्वेल्व नोटिकल माइल्स तक की ट्वेल्व नोटिकल माइल्स मीन एक नोटिकल माइल्स क्या होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमने आज वन किलोमीटर सड़क पे डिस्टेंस को कैसे हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में उसी तरह वाटर में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉटिकल माइल्स में एंड नॉटिकल माइल अप्रॉक्स वन पॉइंट नाइन किलोमीटर यानी लगभग टू किलोमीटर बोल लो आप आसानी से समझने के लिए होता है तो वाटर में डिस्टेंस को नापने के लिए मेजर करने के लिए हम लोग नॉटिकल माइल यूज करते हैं राइट एंड uh, तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे समझें ये इंडिया का ये इधर आपका अरेबियन सी हो गया इधर आपका बे ऑफ आप बंगाल हो गया तो ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स यानी बॉर्डर से लेकर के ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी जो भी वाटर रिसोर्स है उसमें आ, इंडिया के लोग फिशिंग कर सकते हैं या बाथिंग कर सकते हैं या घूम सकते हैं राइट कुछ भी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट अलाउ करे स्विम कर सकते हैं राइट right? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेस इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करें इंटरनेशनल रिसोर्सेज को समझने के लिए हमें 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा यानी इंडिया के कोस्ट से टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक ये ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ई जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है बियॉन्ड टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स बेसिकली यहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक यानी बॉर्डर से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होता है, इंडिया का बेसिकली वाटर होता है और ये इंडिया का एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जोन होता है इसमें इसके बियॉन्ड इंटरनेशनल वाटर्स शुरू हो जाता है राइट और ये इन इंटरनेशनल वाटर्स में पड़ने वाले रिसोर्सेस यानी इन ओशनिक रिसोर्सेस का ओनर कौन होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल एंड अगर इस एरिया में कोई भी एक्सट्रैक्शन करनी है यानी किसी भी रिसोर्स को निकालना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर कंट्री को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लेनी होती है या उनको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है राइट right? अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड दीस आर पोटेंशियल रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेस स्टॉक एंड रिजर्व्स पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या होते हैं फाउंड इन ए रीजन बट नॉट है इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बट हमने इसे यूटिलाइज नहीं किया है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नो हाव जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी राजस्थान एंड एन गुजरात में बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है बट हम इसे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी एकदम नहीं बोला जाएगा टेक्नोलॉजी है, है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है अब दूसरा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेस इस, इस, के एग्जाम्पल देखिए विंड विंडे सोलर सोलर एनर्जी डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है डेवलप रिसोर्स जैसे पेट्रोलियम हो गया कोल हो गया क्यों डेवलप्ड है क्योंकि इनका सर्वे भी हो चुका है इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हम जानते हैं और जैसे कि कोल हो गया पेट्रोलियम फॉरेस्ट है रिवर्स हैं लेक्स हैं ये डेवलप रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं अगला रिसोर्स हमारा स्टॉक स्टॉक वो रिसोर्स जिसमें पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए राइट बट हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि वो आ, आप लोग जानते हैं ना कि आ, वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट इसको वाटर से हम कैसे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस हम क्या करते हैं वाटर uh, को स्प्लिट कर सकते हैं उससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट हमारे पास टेक्नोलॉजी uh, न होने की वजह से हमारे पास वाटर uh, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन जो टेक्निकल नो हाओ एक्चुअली लैब के कंडीशन में लिमिटेड स्केल पे तो किया जाता है बट ये जो ना प्रोसेस uh, बहुत ही इनफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आती है तो फिर वो रिसर्स मतलब फायदा एक रुपए का होगा खर्च सौ रुपए का होगा तो उसको करने का कोई फायदा नहीं चले हम नाउ विल मूव मूव ऑन टू नेक्स्ट वन रिजर्व रिजर्व क्या होते हैं रिजर्व रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक्स रिजर्व ऑफ ऑफ इसको भी हम लोग यूज नहीं करते हैं हमें इसे फ्यूचर यूज के लिए बचा करके रखते हैं रिजर्व का एग्जाम्पल है वाटर इन डैम्स एंड फॉरेस्ट हम बचा के क्यों रखते हैं क्योंकि अब इंडिया में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट होती है मॉनसून पे कभी कभार क्या होता है कि जब रेन डेफिसिट हो जाता है तो जो डैम में वाटर स्टोर होता है उसको हम सप्लाई करते हैं कैनल्स के थ्रू फार्मर्स ताकि क्रॉप की इरीगेशन कर सकें इंडस्ट्रीज़ को भेज दें ताकि इंडस्ट्रीज रन कर सकें या हमारी ड्रिंकिंग सिटीज़ में सप्लाई किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए राइट तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसे लगी राइट एंड uh, आज के लिए बस इतना ही कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक यू फ्रेंड्स बंद कर दो बेटा